उम्मीदवार जाहिर थता नाराज थता जेमां आजे पोताना वतन फुरणा गामे पीएच लुक्कड़ विद्यालय खाते शक्ति प्रदर्शन नो कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। जिल्लाना अनेक कोंग्रेस आगेवानो उपस्थित रह्या हता। भरतसिंहे निवेदन आपता जणाव्युं हतुं के मैं पक्षने समीकरणों जोई टिकिट आपवानी वात करी हती, परंतु पक्षे समीकरणोने जोया वगर टिकिट जाहेर करता मैं जिल्ला कोंग्रेस प्रमुख तरीके राजीनामुं आप्युं हतुं, परंतु पक्षे स्वीकार्युं नथी। वधुमां तेओ जणाव्युं हतुं के 2 दिवसमां कमिटीनी रचना कर्या बाद कमिटी जे निर्णय लेशे ते मारा माटे शिरोमान्य रहेशे, सौने योग्य हशे तेवो निर्णय रहेशे। नाराज थयेल भरतसिंहनुं शुं निर्णय लेशे तेना पर सौनी नजर मंडाई छे। नाराज भरतसिंह द्वारा कोंग्रेसने केटलुं नुकसान थई शके तो आवनारो समय बताशे। त्यारे मीडिया सामे बनासकांठा जिल्लामां कोंग्रेसना नवे 9 धारासभ्य कोंग्रेसना मनसे तेओ नाराज जिल्ला कोंग्रेसना प्रमुखे जणाव्युं हतुं। ब्यूरो रिपोर्ट बळदेवराव मेराजंग न्यूज बनासकांठा। आजे कोरोना मुकामे समग्र मत विस्तार अने समग्र जिल्लामांथी बधा ज अमारा कोंग्रेस पक्षना वरिष्ठ आगेवानो जेमने मारा माटे विशेष लागणी हती एवा सौ सीनियर कार्यकर्ताओ, अमारा EICCના राष्ट्रीय सचिव अने उत्तर गुजरातना प्रभारी आदरणीय वीरेन्द्रसिंहजी राठौड़ साहेब, एक विनंती करी हती के अमारे राजीनामुं पाछुं खेंचवुं जोईए। ज्यारे कोंग्रेस पक्षना समग्र मोवडी मंडळ एटले जे अमारुं સ્ટેજ ઉપર બિરાજમાન સૌ આગેવાનો અને વિશેષમાં રાઠોડ સાહેબની જ્યારે એક વિશેષ વિનંતી અને એમનો આગ્રહ હતો, એ આગ્રહને હું એમની સમક્ષ એમના પ્રસ્તાવને સ્વીકારું છું અને મારું રાજીનામું હું આદરણીય વીરેન્દ્રસિંહજી રાઠોડ અને કોંગ્રેસ પરિવારના સૌ શીર્ષ ગુજરાત કોંગ્રેસ ભરતસિંહજી અમારે ભાઈ હૈ और युवा कांग्रेस की राजनीति से लेकर के अब तक का लंबा सफ़र हम लोगों ने साथ तय किया है। आज का संबंध नहीं है, लगभग 15-20 साल से हम लोग संगठन में साथ काम कर रहे हैं। कुछ रोष था भरत सिंह जी के मन में टिकट को लेकर के, पार्टी हाई कमांड ने शिवा बाब बूरिया जी को पुनः हमारा देवधर से कैंडिडेट बनाया है, तो मैं निवेदन करने आया था कि उस फैसले का वो सम्मान करें और अपने इस्तीफे को वापस लें। मुझे खुशी है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान की बात को समझा। इनके कंधे पर मजबूत जिम्मेवारी है, जिला के अध्यक्ष हैं, 9 विधानसभाओं में आने वाले दिनों में मेहनत इनको करनी है, तो आज इन्होंने सहर्ष अपना इस्तीफे को वापस लिया। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद भी करता हूँ और उज्जवल भविष्य सब साथियों का हो ऐसी मैं कामना करता हूँ।